इस वीडियो में हम डिस्कशन कर रहे हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन AI के बारे में, जिसमें हमारा मेन फोकस है सिंबॉलिक लॉजिक, जिसमें हम देखेंगे सिंबॉलिक लॉजिक रिप्रेजेंटेशन, फॉर्मल सिस्टम, प्रोपोजिशनल लॉजिक, प्रेडिकेट लॉजिक और साथ ही साथ थ्योरम प्रूविंग। तो सबसे पहले हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में यह देख रहे हैं कि हम सिंबॉलिक लॉजिक का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। सिंबॉलिक लॉजिक में का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि आपके जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको पावरफुली रिप्रेजेंट किया जा सके। इसमें फॉर्मल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है। फॉर्मल लैंग्वेजेस के इस्तेमाल के लिए इसमें सिंटैक्स और सिमेंटिक्स का इस्तेमाल होता है, जिसमें कि कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के साथ साथ रिप्रेजेंटेशन भी किया जाता है एक लैंग्वेजेस का, और इन्फेरेंस रूल्स का भी इस्तेमाल होता है। तो आइए हम यहाँ पर जानते हैं कि फॉर्मल सिस्टम्स क्या होते हैं। फॉर्मल सिस्टम एक क्वाड्रुपल होता है, जहाँ पर S इक्वल AFAR। एक रूल ऑफ इन्फेरेंस R इक्वलेंट टू R होता है ऑफ एरिटी N इज एन एसोसिएशन। R इज अ सेट ऑफ FN क्रॉस F कॉमा y बार इक्वल y1 टिल yn विच ट्रांसफर टू रिलेशन r x टू x x कॉमा ye इज इक्वलेंट टू f i इक्वल 1, n। इसमें कुछ इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस होते हैं। मान लीजिए सेट ऑफ प्रेमिसिस इक्वल y1 डैश yn eo इक्वल ua e1 इक्वल e0 u x इक्वलेंट टू y x इक्वलेंसी y इज इक्वलेंट टू e0 n y डैश y बार r x e2 इक्वल e1 u x ey इक्वलेंट e1 n कॉमा y बार r x, जहां पर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक एलिमेंट ei ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यह एक इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस है ऑफ अ सेट ऑफ प्रीमाइसेस फॉर्मल सिस्टम कंटिन्यूड। यदि e0 इक्वल a देन एलिमेंट ऑफ ei को बोला जाता है थ्योरम्स। यदि x इज एलिमेंट ऑफ ei एक थ्योरम है, तो यह ऑब्टेंड हो सकता है बाय सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ इन्फेरेंस रूल ऑन द फार्मूलाज इन ei। सीक्वेंस ऑफ रूल का यदि डेमोन्स्ट्रेशन करें तो SXRX इफ e0 इक्वल ua देन x इक्वलेंट ei कैन बी डिड्यूस फ्रॉम SX। इसमें हम नेक्स्ट देख रहे हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक को। प्रोपोजिशनल लॉजिक में एक फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। इसमें प्रोपोजिशनल लॉजिक के सिंटेक्स में अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल भी होता है। एक वेल फॉर्म्ड फार्मूला WFF प्रोपोजिशनल लॉजिक में है, जहां पर एक एटम एक वेल फाइंड फार्मूला में हो। यदि P एक वेल फाइंड फार्मूला में है, तो देन निगेशन P एक वेल फाइंड फार्मूला में होगा। यदि P और Q वेल फाइंड फार्मूला में हैं, देन PQR वेल फाइंड फार्मूला। सेट ऑफ ऑल वेल फाइंड फार्मूला जनरेट हो सकता है बाय रिपीटेडली अप्लाइंग रूल्स फ्रॉम 1 to 3। सिमेंटिक्स इंटरप्रिटेशन इवेल्युएशन फंक्शन ऑफ ए फार्मूला प्रॉपर्टीज ऑफ वेल फाइंड फार्मूला। वेल फाइंड फार्मूला के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो होता है कि यह वैलिड और टोटोलॉजी के बेसिस पे डिराइव होता है, सेटिस्फाइबल होता है। इसमें कॉन्ट्राडिक्शन का इस्तेमाल होता है, साथ ही साथ इसमें इक्विवेलेंट फार्मूलाज का भी इस्तेमाल होता है। एक फार्मूला F एक लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ ए फार्मूला P होता है। एक फार्मूला F एक लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए सेट ऑफ फार्मूलाज P1-PN हो सकता है। नोटेशन ऑफ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस P1-PN इक्वल F थ्योरम। फार्मूला F एक लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस होता है
सेट ऑफ फार्मूला पी वन डैश डैश एन। यदि फार्मूला पी वन डैश डैश पी एन एफ इज वैलिड। थ्योरेमा, फार्मूला एफ एक लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए सेट ऑफ फार्मूला होता है पी वन डैश डैश पी एन इफ द फार्मूला पी वन एंड डैश डैश एंड पी एन एंड निगेशन एफ इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। इक्विवेलेंस रूल्स, कुछ इक्विवेलेंस रूल्स का इस्तेमाल होता है। पहला होता है आइडम पोटेंटा, जिसमें पी और पी इज इक्वलेंट टू पी, पी एंड पी इज इक्वलेंट टू पी। एसोसिएटिविट, जिसमें पी पी और क्यू और एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिव, डी मॉर्गन, एलिमिनेरिया इम्प्लिसिटिया डूबल। इन सभी रूल्स का इस्तेमाल होता है। ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज, न्यू नॉलेज को ऑब्टेन करने के लिए कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, रिप्रेजेंटेशन और इन अ फॉर्मल लैंग्वेज इसका इस्तेमाल होता है। मॉडल थ्योरी, नॉलेज बेस फ्रॉम XM का इस्तेमाल होता है। प्रूफ थ्योरी, नॉलेज बेस SXM इसका इस्तेमाल होता है। साथ में मोनोटोनिक लॉजिक्स का इस्तेमाल होता है और नॉन मोनोटोनिक लॉजिक्स का भी इस्तेमाल होता है। इन्फेरेंस रूल्स, इन्फेरेंस रूल्स में होते हैं जैसे कि मॉडस पोनेंस, यानी कि पी और पी पी ट्रांसफर टू की, इसका यदि हम मॉडस पोनेंस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा क्यू। सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल होता है, चेन रूल का इस्तेमाल होता है। एंड इंट्रोडक्शन में यदि आप पी और क्यू दो एलिमेंट ले रहे हैं तो इस तरीके से सिंबल लगेगा पी एंड क्यू। ट्रांसपोजिशन के लिए पी और क्यू, पी का क्यू में और निगेशन क्यू का निगेशन पी में होता है। एग्जांपल, मिहाई हैज़ मनी, कार इज वाइट, कार इज नाइस। इफ द कार इज वाइट और द कार इज नाइस एंड मिहाई हैज़ मनी, देन मिहाई गोज़ टू द माउंटेन। एग्जांपल में और बी ए एफ, ए और एफ एंड बी सी, फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक का सिंटेक्स में हम यह देखेंगे। मान लीजिए डी एक डोमेन ऑफ वैल्यूज़ है। एक टर्म डिफाइंड होता है एज ए कांस्टेंट इज़ अ टर्म विथ अ फिक्स्ड वैल्यू बिलोंगिंग टू डी। ए वेरिएबल इज़ अ टर्म जो कि लेता है टेक वैल्यूज इन डी। इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ एन आर्ग्यूमेंट्स एंड टी वन डैश डैश टी एन आर टर्म्स, देन एफ टी वन डैश डैश टी एन इज़ अ टर्म। सारे टर्म्स जनरेटेड होते हैं बाई द एप्लीकेशन ऑफ रूल्स 1, 2, 3। सिंटेक्स प्रेडिकेट लॉजिक कंटिन्यूड। प्रेडिकेट्स ऑफ एरेटी एन का इस्तेमाल होता है। एटम और एटॉमिक फार्मूला लिटरल। एक वेल फॉर्म फार्मूला WFF फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक में कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। एक एटम एक वेल फाइंड फार्मूला है। इफ़ PX इज अ वेल फाइंड फार्मूला, देन निगेशन PX इज अ वेल फाइंड फार्मूला। इफ PX एंड QX आर वेल फाइंड फार्मूला, देन PX एंड QX, PX और QX, P implies to Q, P dual implication are well फाइंड formula. If PX is an well फाइंड formula, then XPX, EXPX are well फाइंड formulas. The set of all well फाइंड formulas generated हो सकता है by repeatedly applying rules from rule 1 to rule 4. Syntax को यदि आप symmetrically देखें तो constant, variable, function, terminating, predicate इन सभी का इस्तेमाल होता है। साथ में फॉर्मूले एटॉमिक निगेट, फॉर्मूले एटॉमिक इन सभी का इस्तेमाल होता है। लिटरल, कनेक्टर लॉजिक इन सभी का इस्तेमाल होता है। CNF और DNF, CNF यानी कि कॉन्जक्टिव नॉर्मल फॉर्म इसका इस्तेमाल होता है, जहाँ पे F1 एंड डैश डैश FN
एफ आई आई इक्वल वन कॉमा एन एल आई वन और डैश डैश एल आई एम। साथ ही साथ डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म डीएनएफ का इस्तेमाल होता है जहाँ पे एफ वन और डैश डैश एस एफ एन एफ आई आई इक्वल वन कॉमा एन एल आई वन एंड डैश डैश एल आई एम। सीमेंटिक्स ऑफ प्रेडिकेट लॉजिक। इंटरप्रिटेशन ऑफ ए फार्मूला एफ इन फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक कंसिस्ट करता है कि हम फिक्सिंग करें एक डोमेन ऑफ वैल्यूज नॉन एम्प्टी डी का ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ वैल्यूज फॉर एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन एंड प्रेडिकेट इन द फार्मूला एफ एज फॉलोस। हर कॉन्स्टेंट के साथ एक एसोसिएटेड वैल्यू होगा डी में। प्रत्येक फंक्शन एफ ऑफ एरिटी एन यह डिफाइंड होगा बाई द कॉरिस्पॉन्डेंस डी एन ट्रांसफर टू डी वेयर डी एन इक्वल एक्स वन डैश डैश एक्स एन एक्स वन इक्वलेंट टू डी एक्स एन इक्वलेंट टू डी। एवरी प्रेडिकेट ऑफ एरिटी एन डिफाइंड होगा बाई द कॉरेस्पॉन्डेंस पी डी एन ट्रांसफर टू टी एफ। इंटरप्रिटेशन के एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि एक्स ए एक्स बी एफ एक्स सी एक्स डी एक्स। यहाँ पर एक्स डी इक्वल वन कॉमा टू है और सारे वैल्यूज आपको दिए गए हैं। एक्स इक्वल वन ए और एफ एंड ए इज समराइज टू एफ। एक्स इक्वल टू एफ और ए एंड एफ ट्रांसफर टू ए। प्रॉपर्टीज ऑफ वेल फाइंड फार्मूलाज इन प्रेडिकेट लॉजिक। वैलिड और टोटोलॉजी का इस्तेमाल होता है। यह सेटिस्फाइएबल होता है। इसमें कॉन्ट्राडिक्शन का इस्तेमाल होता है। इक्विवेलेंट फार्मूलाज का इस्तेमाल होता है। एक फार्मूला एफ एक लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए फार्मूला पी होता है। एक फार्मूला एफ एक लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए सेट ऑफ फार्मूलाज पी वन डैश डैश एस पी एन होता है। नोटेशन ऑफ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस पी वन डैश डैश एस पी एन इक्वल टू एफ। थ्योरम फार्मूला एफ एक लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेट ऑफ फार्मूलाज पी वन डैश डैश पी एन होता है। यदि फार्मूला पी वन एंड डैश डैश पी एन एफ इज वैलिड। थ्योरेमा फार्मूला एफ एक लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए सेट ऑफ फार्मूला पी वन डैश डैश पी एन इफ द फार्मूला पी वन एंड पी एन। निगेशन एफ एक कॉन्ट्राडिक्शन होता है। नेक्स्ट टेबल में हम आपको दिया गया है इक्विवेलेंस ऑफ क्वांटिफायर्स। लेफ्ट यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड के जो क्वांटिफायर्स होंगे वो सारे क्या होंगे इक्विवेलेंट होंगे। एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं ऑल एप्पल्स आर रेड ऑल ऑब्जेक्ट्स आर रेड एप्पल्स देयर इज़ अ रेड एप्पल ऑल पैकेजेस इन रूम 27 आर स्मॉलर देन एनी पैकेज इन रूम 28 ऑल पर्पल मशरूम्स आर पॉइजनस। इन्फेरेंस रूल इन प्रेडिकेट लॉजिक जैसे कि मॉडस पोनेंस सब्स्टिट्यूशन चेनिंग ट्रांसपोजिशन एंड एलिमिनेशन एंड इंट्रोडक्शन यूनिवर्सल इंस्टेंटेनियस एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंशियल रिजोल्यूशन। एग्जांपल हॉर्सेस आर फास्टर देन डॉग्स एंड देयर इज अ ग्रे हाउंड दैट इज फास्टर देन एवरी रैबिट। वी नो दैट हैरी इज अ हॉर्स एंड द रेल्फ इज अ रैबिट डिराइव दैट हैरी इज अ फास्टर देन रेल्फ। हॉर्स एक्स डॉग वाई फास्टर वाई कॉमा जेड ग्रे हाउंड वाई रेबिट जेड। प्रूफ एग्जाम्पल थ्योरम फास्टर हैरी रेल्फ प्रूफ यूजिंग इनफेरेंस रूल। तो इसके लिए इन सारे स्टेप्स का इस्तेमाल होगा। प्रूफ एग्जाम्पल में इस वीडियो में बस इतना ही। इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।